हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, जो आपने मेरे पिता हम सभी को जीवितों के बीच में मेरे पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा मेरे प्रभु। इसके लिए पिता हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ गए होंगे पिता। वे एक ऐसे स्थान पे चले गए होंगे प्रभु जो बिना उद्धार के, बिना सुसमाचार के ही मर गए होंगे पिता। और पिता वे बहुत दूर चले गए होंगे, अधोलोक में चले गए होंगे पिता। प्रभु आप तो हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं पिता। आपने तो गोली खाई, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, हम सभी के खातिर पिता, हम सभी मानव जाति के पाप के खातिर पिता। जो सजा हम सभी मानव जाति को मिलने वाली थी यीशु पापा, आपने अपने ऊपर लिया। आपने हम सभी से इतना प्रेम किया, आपने साबित करके दिखा दिया। कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती सह, दुख सह, दर्द सह पिता, आपने कहा है पिता इन्हें माफ कर दे, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये तो अभी बच्चे हैं, ये तो भी नादान है, इन्हें माफ कर दे पिता, इन्हें क्षमा कर दे मेरे पिता। आपकी महिमा करते पिता, आपने हम सबसे बहुत प्रेम किया, ऐसा प्रेम कोई मनुष्य नहीं कर सकता है प्रभु। आज के समय में बहुत सारे लोग यीशु मसीह का लहू व्यर्थ कर रहे हैं। अरे उसने कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके मुंह पर थूका गया। अरे सैनिक लोग आंखों पर पट्टी बांध कर उसके मारते थे और बोलते थे, बोल भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा, तुझे किसने मारा। इतनी बेइज्जती यीशु मसीह के मेरे प्रियजनों, सिर्फ हम सभी के खातिर, हम सभी के खातिर उसने सजा अपने ऊपर लिया। आज के इस समय में उसके लहू की आज लोग जरा भी कदर नहीं करते हैं। आज पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, नाजायज पुरुष के साथ स्त्री पाप करती है, व्यभिचार करते हैं। अरे सुधर जाओ, जब आप पाप करते हो तो परमेश्वर मुख फेर लेता है, वो पाप नहीं देखता है। अरे अपने घर वालों की फिक्र ना करो, अरे उस परमेश्वर को तो सोच लो कि उसने हम सभी से कितना प्रेम किया। कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसने बोला हे पिता इन्हें माफ कर दे, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये तो बच्चे हैं, नादान हैं, गलतियां हो गई हैं। अरे आज लोग उसके लहू की कदर नहीं करते हैं, पाप करते, गुनाह करते, बेविचार करते और परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर देते हैं, शोकित करते। प्रभु मैं विनती करता हूँ इनको क्षमा करे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी मैं आपकी सामर्थ को मांगता हूँ मेरे प्रियजनों। यदि आप किसी हालातों को लेकर टूट चुके हैं, चिंता में हैं, निराश हैं, उदास हैं, बेचैन हैं, तो आज आपको किसी इंसान का सहारा नहीं लेना है, आज आपको खुद यीशु मसीह से बोलना है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग भरमाने वाली शिक्षाओं को फैला रहे हैं और लोगों को उद्धार पाने से रोक रहे हैं। उनका उद्देश्य एक ही है, अपने साथ लाखों आत्माओं को नरक में ले जाना। मैं बोल रहा हूँ यीशु मसीह से प्रेम करो, उसका प्रेम कभी नहीं खत्म होगा। इंसान आपको छोड़ सकता है, इंसान आपको धोखा दे सकता है, इंसान आपके साथ गद्दारी कर सकता है, परंतु परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है, वो आपको कभी नहीं धोखा देगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। आपसे लव करता है परमेश्वर, क्या आप उससे प्यार करते हैं? अपने आप से पूछ कर देखो। लोग लड़की लड़का के चक्कर में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने माता पिता को छोड़ देते हैं उस परमेश्वर के और पीठ फेर लेते हैं, पाप में गिर जाते हैं। अरे सुधर जाओ और उस परमेश्वर को याद कर लो, एक बार याद कर लो, वरना बहुत बुरा हाल करेगा परमेश्वर। लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझे बच्चा नहीं देता है, मुझे चंगा नहीं। अरे आपका जीवन कैसा है? पाप करते, गुनाह करते, अरे नाम धराही मसीही मत बनो, मत बनो नाम धराही मसीही, लोग स्वर्ग के वारिस ना होंगे। मसीह में चलना आपका व्यर्थ है। नाम धराही मसीह, सुनो सुनो, पास्टर प्रचारकों का सहारा लेने वालों, उन पर भरोसा करने वालों, सुधर जाओ और यीशु मसीह से बोल दो आज, और बोल दो परमेश्वर से कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मैं आज से
तुझसे प्रार्थना करूंगा, तेरा सहारा लूंगा, क्योंकि तू ही भरोसा है, तू ही सहारा है, जीवन के हर पल में साथ देने वाले मसीहा मेरे परमेश्वर तू ही है। मेरे प्रियजनों, आप बेचैन हैं, डर चुके हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो आज आपको यीशु पापा से बताना है, आज आपको पवित्र आत्मा से बोलना है, आज आपको यीशु मसीह से बोलना है, परमेश्वर आपके आंसू को पोंछ देगा। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से मेरे परमेश्वर, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणा, आपकी करुणा सदा की है। पवित्र आत्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो आपने मेरे पिता हम सभी को जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है मेरे परमेश्वर, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के नाम में, मेरे पापा जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे, पूरे विश्वास से सुन रहे पिता, और लास्ट में आमीन बोलकर रसीब करें। मेरे प्रभु, हम चाहते हैं मेरे परमेश्वर, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े हैं, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वे अपनी समस्याओं से, अपनी बीमारियों से टूट चुके हैं, उन्हें कोई आस की किरण नजर नहीं आ रही है, कोई आस का तारा नजर नहीं आ रहा है। हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे परमेश्वर, मैं हे दाऊद की संतान, मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम में मेरे परमेश्वर, जो आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो बीमारियों में जकड़े हैं, परेशानी में जकड़े हैं, हे परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपके बेटे होने के नाते, वो दाऊद दास होने के नाते मेरे परमेश्वर, ये आजाद हो जाए, ये चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर। किसी के पास मेरे प्रभु इतना पैसा नहीं है प्रभु कि वे अपना इलाज करा सके। प्रभु आप उन्हें हेलिंग दीजिए, आप उन्हें चंगाई और छुटकारा दीजिए, सुनासरी के नाम में मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ पिता, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मेरे परमेश्वर, जो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं मेरे परमेश्वर, आज की रात मेरे परमेश्वर उनका रोना, बिलखना, चिल्लाना बंद हो जाए मेरे परमेश्वर, आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, और स्वर्ग से आशीष और स्वर्ग से सामर्थ काम करने पाए मेरे परमेश्वर, अनवांटिंग दीजिए पवित्र आत्मा से मेरे परमेश्वर, आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे परमेश्वर, आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम में, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ जिन घर में लड़ा झगड़ा होता है, दुष्ट आत्मा के बंधन, काला जादू के बंधन, मेरे परमेश्वर मैं डांटता हूँ, ए गंदी आत्माओं, ए दुष्ट आत्माओं, उकड़ो और पाताल में जा, धलोक में जा, यीशु नासरी के नाम में मेरे परमेश्वर आजाद कर और ब्लेस कर दे, ब्लेस कर दे, ब्लेस विल बी इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम में चंगे हो जाए। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता पिता, जो मसीह भर रात में नहीं सो पाता, न टलकता भलकता, प्रभु आपका वचन कहता है, जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डर। पिता, मुझे आशा विश्वास से अपने प्राण को सुना है, ये छोटे से मित्र उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुने और कबूल करेगा, आमीन।